कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे, एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि AWS में जो डायरेक्टरी सर्विस मैंने बनाई है लास्ट लैब में, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है AWS का जो मैंने मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी मैंने जो क्रिएट की थी, तो उसमें जो EC2 इंस्टेंस थे, जो उसके बाद जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते थे उसको मुझे मैनुअली ज्वाइन करना पड़ता था डोमेन में। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जैसे ही कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो वो इंस्टेंस ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाए आपका AWS डायरेक्टरी सर्विस के साथ, मुझे उसको मैनुअली उस डोमेन का मेंबर ना बनाना पड़े, मुझे उस जो EC2 इंस्टेंस है उसको मैनुअली जाके डोमेन का मेंबर ना बनाना पड़े, वो EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिक AWS का जो डायरेक्टरी सर्विस है उसका मेंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने देखिए ये डोमेन क्रिएट किया था, ध्रुव.com नाम से डोमेन क्रिएट किया था मैंने, जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी मैंने AWS डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू मैंने क्रिएट किया है, तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने सेटअप डायरेक्टरी सर्विस किया था और मैंने AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी AD सेटअप किया था, जिसका नाम मैंने ध्रुव.com दिया था। देखिए इसका नाम मैंने ध्रुव.com दिया था, ये मैंने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, लैब परफॉर्म करके आपको दिखाई है। अगर कोई डाउट है तो मैं प्रीवियस वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके दो IP हैं, DNS IP, ये देखिए इन दोनों DNS IP को मैं कॉपी कर लिया है मैंने नोटपैड में, ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया है इन दोनों ही, ये देखिए इन दोनों को मैंने DNS IP को कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है VPC में, VPC में जाइए आप, और देखिए मुंबई रीजन में ही है तो मुंबई रीजन के ही VPC में जाना है, आपको रीजन चेंज नहीं करना है, जिस रीजन में आपने एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट की है उसी रीजन के VPC में आपको जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा DHCP ऑप्शन, DHCP ऑप्शन के थ्रू क्या होता है, जो भी EC2 इंस्टेंस है उस EC2 इंस्टेंस को IP आपको DHCP सर्वर ही प्रोवाइड करता है, उसका DNS IP DHCP सर्वर ही प्रोवाइड करता है। DHCP स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज़ करता है, DHCP सर्वर पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज़ करता है। तो DHCP सर्वर के थ्रू ही आपके जो EC2 इंस्टेंस हैं उनको ऑटोमेटिक IP मिलता है, उनको ऑटोमेटिक DNS IP मिलता है। तो आपके ऑन प्रीमाइसेस में भी अगर आपका ऑटोमेटिक IP मिल रहा है, चाहे वाईफाई के थ्रू मिल रहा है, चाहे वाईफाई राउटर के थ्रू मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका DHCP सर्वर कहीं बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। बाइटफॉल क्या होता है, जो वाईफाई आते हैं उनमें ऑटोमेटिक उनके अंदर ही DHCP ऑप्शन सेट होता है, तो वो राउटर ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करता जाता है। तो इस यहाँ पे आपका ये DHCP ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो देखिए ये जो DHCP ऑप्शन है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, जो डिफ़ॉल्ट आपका VPC है उसका साथ ये डिफ़ॉल्ट DHCP क्रिएट है। मुझे खुद का DHCP क्रिएट करना है तो मैंने क्रिएट DHCP ऑप्शन सेट में मैं गया, यहाँ ऑप्शनल है इसको आप छोड़ दीजिए। मैंने नेम दिया, डोमेन का नेम मेरा है ध्रुव.com, तो मैंने यहाँ पे ध्रुव.com दिया। अब देखिए यहाँ पे IP मांग रहा है, दोनों तो IP मांग रहा है, तो आप जो IP आपने कॉपी किए थे ये IP कौन से हैं, आपके AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी के IP हैं, उन IP को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉमा लगा के स्पेस देके आपने दोनों IP पेस्ट कर दिए। उसके बाद आप इसको सिर्फ क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट DHCP ऑप्शन सेट में क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए आपका ये क्रिएट हो गया, मैं दिखा देता हूँ, क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं देख लेता हूँ, मैंने नहीं असाइन नहीं किया। अच्छा ये वाला मेरा DHCP सर्वर है, देखिए ध्रुव.com है, तो जो ऑप्ट 045 BBABE करके है ये मेरा जो है जो मैंने क्रिएट किया है वो वाला DHCP सर्वर है। आप देखिए आपको VPC में जाना है, VPC में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल में जा अपने VPC को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सेल में जाइएगा और यहाँ पे एडिट DHCP ऑप्शन सेट में जाइएगा, और यहाँ पे आपने जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको हटा के अपना वाला DHCP सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका DHCP है, उसको सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, IAMs में जाइए, एक रोल डिफाइन करना पड़ेगा, IAM में जाइए। तो मैं यहाँ पे IAM में गया, IAM में जाने के बाद आपको क्या करना है, रोल डिफाइन करना है, तो आप रोल्स में जाइए, रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट रोल्स में क्लिक करिए, EC2 सेलेक्ट कर लीजिए, EC2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं रोल तो EC2 सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। पॉलिसी क्या अप्लाई करनी है, आप यहाँ पे SSM टाइप करेंगे, तो देखिए SSM टाइप करेंगे तो SSM की सारी पॉलिसी आ जाएंगी यहाँ पे,
तो आपको एस एस एम ईसी टू रोल फॉर अमेजोन ईसी टू रोल फॉर एस एस एम, एक ये वाली पॉलिसी, और अमेजोन एस एस एम डायरेक्टली सर्विस एक्सेस ये वाली पॉलिसी, एंड अमेजोन एस एस एम इंस्टेंस कोर ये वाली पॉलिसी। तीन पॉलिसी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, इन तीनों पॉलिसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट करिए। यहाँ पे नेम दे दीजिए, मैंने टैग दे दिया नेम फॉर ए डब्ल्यू एस मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी, मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू असाइन कर दी है। नेक्स्ट करिए, अब इसका नाम दे दीजिए, मैंने नेम दे इसका दे दिया है ए डब्ल्यू एस मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी फॉर ई सी टू, मैंने ये रोल का नेम असाइन कर दिया है और क्रिएट रोल में क्लिक कर दिए। तो आपका रोल क्रिएट हो गया है जिसमें आपने तीन पॉलिसी दिए हैं। तो आपका रोल क्रिएट हो गया, ये देखिए इसमें आपने तीन पॉलिसी दी हुई हैं, ये तीनों पॉलिसी आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई हैं। अब आपको क्या करना है, आप ई सी टू में जाइए और अब मैं यहाँ पे एक ई सी टू लॉन्च करता हूँ। देखिए तो जो मैं ई सी टू लॉन्च करूँगा वो ऑटोमेटिक डोमेन का मेंबर हो जाएगा। किस डोमेन का, ध्रुव डॉट कॉम, जो मैंने डोमेन क्रिएट किया है ए डब्ल्यू एस मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन क्रिएट किया है उसका मेंबर हो जाएगा। तो देखिए कोई भी ई सी टू यहाँ पर लॉन्च नहीं है, मैंने लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एम आई को सेलेक्ट करूँगा, अमेजोन मशीन इमेज को सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे लूँगा सर्वर 2016 बेस इमेज को मैं लूँगा। टी टू माइक्रो ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये फ्री टीयर एलिजिबल है। नेक्स्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपने डोमेन का नेम। ये मेरा डोमेन का नेम है जो आपने बनाया है ए डब्ल्यू एस मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी में, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ध्रुव डॉट कॉम से मैंने बनाया है। देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और देखिए आई एम रोल्स, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आई एम रोल्स में देखो ये बता रहा है कि आपको अमेजोन एस एस एम मैनेज इंस्टेंस कोर और अमेजोन एस एस एम डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। तो देखिए आप या तो क्रिएट कर लिए, मैंने क्रिएट कर रखा है रोल्स, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको रोल्स रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आप इस रोल को सेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको नेस्ट कर दीजिए, स्टोरेज आ जाएगा, आप नेस्ट कर दीजिए। तो टैग आपको भी देना चाहते हो टैग असाइन कर लीजिए। नेस्ट करिए सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने दिया यहाँ पे ऑटो ज्वाइन ई सी टू, मैंने ये इसका नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने जो है ऑल ट्रैफिक ले लिया, मैंने ऑल ट्रैफिक मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिव्यू एंड लॉन्च करूँगा, एंड लॉन्च करूँगा तो ये आपसे की पूछ रहा है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं ऑटो ज्वाइन, मैंने इसका नाम दे दिया ऑटो ज्वाइन और इसको की पे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लॉन्च इंस्टेंसेस में क्लिक कर दिया। देखिए तो इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो रहा है। अब ये विंडो इंस्टेंस है तो देखिए इनिशियलाइजिंग डोमेन ज्वाइन, देखिए यहाँ पे ये इसने मैसेज दे दिया इनिशियलाइजिंग डोमेन ज्वाइन। तो अब ये डोमेन ज्वाइन को कर रहा है तो बाई डिफॉल्ट ये 3 to 4 मिनट लेता है, एक विंडो का जो ईसी टू इंस्टेंस होता है 3 से 4 मिनट लेता है आपका प्रॉपरली रन होने में, प्रॉपरली अप होने में। तो बेसिकली मुझे वेट करना पड़ेगा 3 से 4 मिनट का, और जब ये ईसी टू इंस्टेंस मेरा अप हो जाएगा, रनिंग कंडीशन हो जाएगा, तब मैं देखूंगा कि ये ईसी टू इंस्टेंस जो है मेरा ऑटोमेटिक विंडो से ज्वाइन हो जाएगा, मुझे मैनुअली जाके डीएनएस का आईपी असाइन नहीं करना पड़ेगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया। उसके बाद डोमेन का मेंबर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, डोमेन में डिस्क कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके चेंज में जाके डोमेन में क्लिक करके मैं डोमेन नेम असाइन किया था, उसके बाद मैंने ओके किया था, यूजर नेम पासवर्ड पूछा था उसने, उसके बाद वो रिस्टार्ट हुआ था। तो ये सारे टास्क आप ख़त्म हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म हो जाएंगे इस ईसी टू इंस्टेंस में। ये ईसी टू इंस्टेंस जो है जो ऑटोमेटिक इस डोमेन का मेंबर हो जाएगा। तो आपने सिंपल सा इसमें क्या किया, सबसे पहले आपने डीएससीपी सर्वर डीएससीपी ऑप्शन में गए और आपने एक खुद का डीएससीपी सेलेक्ट किया, उसमें आपने डीएनएस का नेम और डोमेन नेम असाइन किया कि क्या डोमेन नेम है आपका ध्रुव डॉट कॉम और डीएनएस का आईपी आपने कॉपी कर रखा था तो आपने वो डोमेन का आईपी असाइन किया, और उस जो डीएससीपी था उसको वीपीसी पे आपने अटैच कर दिया, जो डिफॉल्ट डीएससीपी था उसको हटा दिया और आपने जो खुद का डीएससीपी आपने सेलेक्ट क्रिएट किया था वो डीएससीपी वीपीसी में अटैच कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आप बेसिकली एक रोल क्रिएट किया, उस रोल्स में आपने
EC2 पे अप्लाई किया, उसमें आपने अमेजोन SSM मैनेज इंस्टेंस कोड पॉलिसी एंड अमेजोन SSM डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस पॉलिसी को अटैच किया। उसके बाद आपने क्या किया, EC2 में गए, आप EC2 के सर्विसेज में गए। EC2 क्रिएट करते समय आपके पास पूछता है, डोमेन ज्वाइन करके ऑप्शन आएगा, उसमें आपने डोमेन का नेम सेलेक्ट किया और रोल्स में जाके आपने जो ये रोल क्रिएट किया था जिसमें आपने पॉलिसी असाइन की थी, ये दोनों पॉलिसी SSM वाली पॉलिसी असाइन की थी, तो ये दोनों पॉलिसी वाला रोल आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो EC2 इंस्टेंस आपने लॉन्च कर दिया। तो देखिए मैं चाहता हूँ और देखता हूँ कि मेरा EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो गया। अब मैं इसको देखिए पब्लिक IP ये है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, अब HTSC करता हूँ। तो देखिए मैं इसको एक्सेस करता हूँ, इसका पब्लिक IP मैंने मेंशन किया। अब मैं इसके देखो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करूँगा, मैं जो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है उससे लॉगिन करूँगा सीधे सीधे। तो देखिए डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिन अकाउंट है, जो यूजर अकाउंट है, उसे कहते हैं एडमिन। तो डोमेन का मैंने आपको बता रखा है, मेरे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो अब आप AWS में जब डोमेन बनाते हैं, AWS में जो आप मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो एडमिन होता है, और इस यूजर का पासवर्ड भी आप क्या होता है वो आपने देखा, जब बनाते हैं डोमेन जो पासवर्ड असाइन करते हैं वो इस यूजर का पासवर्ड होता है। तो मैं इस यूजर से लॉगिन करूँगा, देखिए डोमेन के यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ सीधे, और मैंने यहाँ पर लिखा ध्रुव.com, मतलब डोमेन के यूजर से लॉगिन करना चाहता हूँ, और उसका पासवर्ड मैंने एक्सेस किया, एंटर किया यहाँ पर और ओके किया। तो देखिए मैं डोमेन के यूजर से लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो ये EC2 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट मेरा उस डोमेन का मेंबर हो गया है। डोमेन के मेंबर होने के बाद ही आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं डोमेन के यूजर से। तो देखिए मैं उस यूजर से लॉगिन कर पा रहा हूँ, मींस एडमिन यूजर से मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो ये एडमिन यूजर जो जो EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 इंस्टेंस मेरे डोमेन का मेंबर क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे एक EC2 इंस्टेंस है उसको क्रिएट करते समय ही आप उसको मेंबर बना सकते हैं, आप किसी EC2 इंस्टेंस का EC2 इंस्टेंस को उसका डोमेन का मेंबर बना सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कम हो जाता है, नहीं तो आपको हर EC2 इंस्टेंस में जाके मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, उसको मेंबर बनाना पड़ेगा वन बाय वन करके। पहले आपको DNS का IP मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको जाके आपको डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, EC2 इसके ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है, इसमें मैं इसका दिस PC एक्सेस करूँगा, उसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, तो वहाँ पे दिखा ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेंबर दिखेगा। तो प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, देखिए और देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ध्रुव.com डोमेन का ये मेंबर ऑलरेडी है। सो फ्रेंड देखा आपने इस लेक्चर में कैसे एक EC2 इंस्टेंस को ऑटोमेटिक आप डोमेन में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो AWS डायरेक्टरी सर्विस आपने क्रिएट कर रखी है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।